हेलो व्यूअर्स, हम सभी को सुंदर और घने बालों की चाहत है, पर पोल्यूशन और लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बालों में हेयर लॉस और थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम्स आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करी लीफ हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। करी लीफ न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि अगर इसका इस्तेमाल बालों पर किया जाए तो हेयर ग्रोथ तेजी से होने के साथ साथ बाल हेल्दी और काले बनते हैं। कैसे? ये रिच इन ऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही डेड हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करता है। साथ ही में इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है, जिससे हेयर लॉस और थिनिंग ऑफ हेयर का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और बाल हेल्दी एंड स्ट्रांग रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ आपके बालों के लिए हेयर टॉनिक, हेयर मास्क और हेयर ऑयल। लेट्स मेक अ हेयर टॉनिक फर्स्ट। एक बोल में हम कुछ करी लीव्स लेंगे और उसको आधा कप पानी में भिगो के रखेंगे। आपका जो रेशियो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए, मतलब एक कप करी लीव और आधा कप पानी। इसको हम लगभग 15 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको पीस लेंगे, जिससे कि ये इस तरीके का दिखेगा। और उसके बाद हम इस पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। इसके अंदर करी लीव्स के सारे बेनिफिट्स पानी के अंदर आ जाते हैं और इस तरीके से हमारा हेयर टॉनिक रेडी है, घर में बना हुआ, जिसको हमें डेली अपने स्कैल्प पर लगाना है। इसको हम बेहतर यूज के लिए एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम हेयर मास्क बनाते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें 2 चम्मच हेयर टॉनिक, जो कि अभी हमने बनाया था, वही इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इसके अंदर 2 चम्मच हांकड़ में डालूंगी, मतलब इसमें से पानी मैंने निकाला हुआ है, और 1 अंडे का एग वाइट आधा इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और ये हमारा मास्क हमारा रेडी हो गया है। इसे आप हफ्ते में 2 बार लगाइए, ये आपके बालों में से डैंड्रफ, रूखापन दूर करेगा और शाइन लेकर आएगा। लास्ट हम अपने बालों के लिए हेयर ऑयल बनाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ लहसुन, करी लीव्स और एक टाइट अनियन चाहिए होगा, जो कि गला हुआ ना हो। आप इसे इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा 100% कोकोनट ऑयल, जो कि प्योर फॉर्म में होना चाहिए। अब इन सभी चीजों को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर हम करी लीव्स भी ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को डालकर हमको बिना पानी मिलाए एक फाइन पेस्ट बना लेना है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब कोकोनट ऑयल हम एक स्टील के या लोहे की कढ़ाई में आप ले सकते हैं और उसमें ये पेस्ट को ऐड करना है और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पर गरम करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन इसका कलर ना बन जाए, कुछ इस तरीके से। इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। और एक मसलिन क्लोथ में अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे इसकी हेल्प से, सो दैट जो ऑयल है जिसके अंदर इसकी सारी क्वालिटीज इंड्यूस हो चुकी हैं वो आ जाएगा और ऑयल सेग्रीगेट हो। अनियन एंड गार्लिक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बैक्टीरियाज एंड जर्म्स को किल करता है। क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है तो हमारे बाल इससे स्ट्रांग और थिक होते हैं, प्लस इसकी वजह से कोलाजन बनता है और हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ इससे स्टिमुलेट होती है।